हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर वन और पेपर टू दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। पेपर टू है हमारा हिंदी साहित्य, तो जो भी स्टूडेंट से हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीए, यूजीसी, नेट, आरपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एचटेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को याद करने की ट्रिक देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो यूजीसी नेट में कालक्रम के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स को, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इनको कालक्रम के अनुसार एक ट्रिक से याद करेंगे। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसे आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो आइए देखते हैं ये ट्रिक हमारी क्या है। सबसे पहले हम इन नाटकों को देख लेते हैं, ये कौन कौन से हैं। पहला है सज्जन 1910, सेकंड है कल्याणी प्रीणय 1912, तीसरा है करुणालय 1912, चौथा है प्राश्चित 1913, पांचवा है राज्यश्री 1915, छठा है विशाख 1921, सेवंथ है अजातशत्रु 1922, आठवां है जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, नाइन है हमारा कामना 1927, दसवां है स्कंदगुप्त 1928, ग्यारहवां है एक गुटे 1930, बारहवां है चंद्रगुप्त 1931 और तेरहवां है ध्रुव स्वामिनी 1933। तो फ्रेंड्स, इसमें ये स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी, ये तीनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। तो इनके सन और इनके नाम और ये हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो आइए इनके हम नाटकों की ट्रिक्स देखते हैं। तो ट्रिक ये है, जयशंकर नाम का एक राजा था, वह बहुत ही सज्जन, कल्याणकारी और करुणामयी था। उसे बहुत प्रायश्चित हो रहा था कि वह अपने राज्य को विशाल नहीं बना पाया, तो वह एक दिन अजातशत्रु से मिलते हैं और जन्मेजय का नाग यज्ञ करवाते हैं। उसकी कामना है कि उसके दोनों पुत्र स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त एक घूट पानी पीकर ध्रुव स्वामी बन जाएं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लेना और दो तीन बार आप ये ट्रिक रिवाइज करेंगे तो आप ये लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो फ्रेंड्स, जो जो ये इनके नाटक हैं, इनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी है, जैसे सज्जन, कल्याणी प्रीणय, करुणामय, प्राश्चित, राज्य से राज्यश्री, विशाल से विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक गुट और ध्रुव स्वामिनी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो 13 नाटक हैं इनकी ट्रिक्स आपको बता दी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई ट्रिक्स के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जो भी स्टूडेंट हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पेपर वन हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो उन सभी के लिए यह चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।